नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हमारे आज के खिताब का उन्वान है कामयाबी का कुरानी तसव्वुर। कामयाबी एक ऐसी चीज़ है जिसकी ख्वाहिश हर इंसान को होती है। हर आदमी चाहता है कि मैं बामुराद हूँ, कामयाब हूँ, आगे बढ़ूँ, और जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उसमें वो कामयाबी हासिल करना चाहता है। ये इंसान की फितरत का एक तकाजा है, और इसी तकाजे की वजह से हमारा तमद्दुन आगे बढ़ता है। अगर ये आगे बढ़ने की इंसान के अंदर चाहत और ख्वाहिश ना हो और आदमी एक ही जगह ठिठर कर बैठ जाए तो कभी ये तहजीब का काफिला आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो आप देखते हैं कि आए दिन हर मैदान में इंसान तरह तरह की चीज़ें ला रहा है, तरह तरह की इजादात ला रहा है, तरह तरह से आगे बढ़ रहा है, और इसमें कंपटीशन है। हर आदमी कहता है कि मैं दूसरे से आगे निकल जाऊं, हर मुल्क कहता है कि मैं दूसरे के मुकाबले में आगे बढ़ जाऊं, हर कौम एक दूसरे से सबकत ले जाना चाहती है। तो ये जो तगो दौ है और ये दौड़ लगी हुई है, इससे बड़ा फ़ायदा पहुंचता है। एक चीज़ बनाते हैं, ईजाद करते हैं, दूसरा उससे बेहतर बनाने की कोशिश करता है ताकि मार्केट में मेरी चीज़ की ज़्यादा ख़रीदारी हो, इसी तरह और कामों में। और ये इंसान की जो आगे बढ़ने की ख्वाहिश है, ये डॉक्टरी के मैदान में, बीमारियों के इलाजों के मैदान में, और इंसानियत की फलाह के मैदान में बहुत काम देती है। ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका पहले इलाज नहीं था, लाइलाज समझी जाती थी, इंसान की इसी जद्दोजहद ने उनको काबिल इलाज बना दिया। एक ज़माने में टीबी को समझा जाता था कि इसका कोई इलाज नहीं है, आज इंसान ने उसके ऊपर काबू पा लिया है। कैंसर की बहुत सारी किस्में हैं जिन पर इंसान काबू पा चुका है और उसके लिए कोशिश कर रहा है। एड्स के बारे में भी जद्दोजहद जारी है, और इसी तरह दूसरी हमारी आप देखते हैं कि आँखों का मामला, एक ज़माने में आँखों के ऑपरेशन एक एक महीने तक मरीज को लिटाया जाता था, सीधा लेटा रहता था। आज साइंस की इस ताकत ने इंसान को इतना आसानी मुहैया कर दी है कि चंद घंटों के बाद छुट्टी मिल जाती है। ऑपरेशन हुआ और दो घंटे के बाद डॉक्टर ने कह दिया कि जाइए घर, हो गया। तो ये सब जो आसानियाँ और सहूलतें हमें मिल रही हैं, ये इंसान की उसी फितरी तकाजे की बदौलत हैं कि वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में आगे बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। दुनिया में तरक्की करना कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते कि ये तरक्की तामीर और फलाह की तरफ हो। तरक्की कभी तखरीब की तरफ भी होती है। तखरीब की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो दुनिया में ख़राबियाँ पैदा होंगी। मतलब ऐसे हथियार ईजाद करें जो इंसानों के लिए नहायत मोहलिक हों, और उसमें वो भी लपेट में आ जाएं कि जिनकी कोई ग़लती नहीं है, जिनकी कोई ख़ता नहीं है, जिनसे लड़ाई हो रही है वही ना मारे जाएं बल्कि पूरी इंसानियत को ही उससे नुकसान पहुंचे, उसके जरासीम फैल जाएं, समंदर में फैल जाएं, फिज़ा में फैल जाएं, तो वो जो तरक्की होगी वो नामुबारक और गैर मुनासिब, और हम उसकी दाद नहीं दे सकते। हाँ, जिसमें इंसानों की भलाई है, इंसानों का फ़ायदा है, वो तरक्की यकीनन मुबारक होगी। हमारी जो आज की गुफ्तगू है वो ये है कि तरक्की के बारे में कुरान का तसव्वुर क्या है।
तो कुरान के तसव्वुर के बारे में एक बात तो अभी आ चुकी है कि दुनिया की तरक्की के बारे में कुरान हमें तसव्वुर देता है कि ये इंसानों की फला और भलाई के लिए तरक्की होनी चाहिए, और कुरान का तरक्की का तसव्वुर है वो है दोनों जहान की तरक्की। इंसान दोनों जहान में कामयाब रहे। और मैं ये अर्ज़ कर दूं कि अगर ये कुरानी तसव्वुर आज इंसानों के सामने हो दोनों जहान की कामयाबी, तो ये तखरीबी जो हिस्सा है तरक्की का ये ख़त्म हो जाएगा। कुरान ये कहता है कि इंसान को दोनों जहान में तरक्की करनी चाहिए, दोनों जहान में कामयाबी मिलनी चाहिए, दुनिया में भी और उस दूसरी दुनिया में भी जहां उसको मरने के बाद जाना है, यानी दुनिया और आखरत, ये दो जहान हैं जहां इंसान को ज़िंदगी गुजारनी है। इन दोनों जहानों में इंसान कामयाब रहे, इसलिए जहां जहां वो फलाह की बात करता है, कामयाबी की बात करता है, वहां वो दोनों जहान की कामयाबी मुराद लेता है। قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, नमाज के लिए बुलाया जाता है कि हयाल अलफला, आ जाओ कामयाबी की तरफ। قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स को बुराइयों से पाक कर लिया। हर जगह जहाँ जहाँ फलाह का, कामयाबी का जिक्र आया है, वहाँ दोनों जहान की कामयाबी का तरीका बताया है। और सिर्फ तसव्वुर ही नहीं दिया बल्कि उसका तरीका भी बताया, अमल का तरीका भी बताया कि कैसे अमल किया जाए। आइए हम कुरान पाक की एक आयत को लेकर इसकी तशरीह करते हैं। इरशाद हुआ है कुरान मजीद में कि قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, बेशक कामयाब हुआ वो शख्स, और कामयाबी दोनों जहान की, दोनों जहान में कामयाब हुआ वो शख्स जिसने अपने नफ्स को बुराइयों से पाक कर लिया। यानी खराबी की जड़ जो है वो बाहर नहीं है। कुरान कहता है कि खराबी की जड़ इंसान के अंदर है, खराबी बाहर नहीं है, खराबी अंदर है। और अंदर इंसान के खराबी की जड़ कहाँ है? उसके नफ्स में। परवरदिगार ने जो इंसान का नफ्स बनाया है इसमें दोनों बातें रख दी हैं, अच्छाई भी और बुराई भी। फरमाया नफ्सी ममा सवा फअलहमहा फजूरहा व तक्वाहा, देखो हमने नफ्स को कैसा बनाया है, उसी में बुराई भी रख दी है, उसी में तक्वा और नेकी भी रख दी है। तो नफ्स एक ऐसी इंसान के अंदर ताकत है जो अच्छाई और बुराई दोनों का मजमुआ है। यही नफ्स इंसान को नेकी पर भी आमादा करता है, यही नफ्स इंसान को बुराई की तरफ भी ले जाता है। और होता क्या है कि नफ्स के अंदर कुछ ख्वाहिशात हैं, उन ख्वाहिशात को अगर एक हद के अंदर रखा जाए तो वो नुकसान नहीं देती, अगर उनको हद से बाहर जाने दिया जाए फिर वो नुकसान देती हैं। इंसान के अंदर तीन ख्वाहिशें ऐसी हैं कि अगर वो उन पर कंट्रोल कर ले तो बहुत मुफीद है। मसलन नंबर एक ख्वाहिश इंसान की खाने पीने की है, आदमी को भूख लगती है वो खाना चाहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नफ्स का हक है उसको खाने पीने को दो, कुलू वशरबू, खाओ पियो, इसलिए कि ये तुम्हारे नफ्स का तकाजा है और हक है कि तुम खाओ पियो। लेकिन ख्याल रहे कि वला तुसरिफू, हद से मत बढ़ जाना कि तुम अब ज़बान के चटखारे ऐसे तुम्हारे ऊपर सवार हो जाए कि तुम पेट के ही गुलाम बन के रह जाओ और वह खाने पीने में लगे रहा करो। उतना खाओ पियो जितनी ज़रूरत है,
ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो परेशानी होगी। तो इंसान की एक ख्वाहिश खाने पीने की है, अगर उस पर कंट्रोल रखा जाए तो सेहत के लिए भी ज़रूरी है, इंसान के ताकत के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर ज़्यादा खाएगा तो सेहत के वास्ते भी मुज़िर है और इंसानी अखलाक के वास्ते भी मुज़िर है कि आदमी अपनी इसी ख्वाहिश का ग़ुलाम बन जाएगा। दूसरी ख्वाहिश इंसान के अंदर है कि औरत मर्द का एक अल्लाह ताला ने ताल्लुक़ रखा है, ये ताल्लुक़ अगर जायज़ हदों में हो तो बहुत ही मुनासिब है, इससे नस्ल इंसानी भी आगे बढ़ती है और इंसान की फितरत के तकाज़े पूरे हो जाते हैं। उसके लिए परवरदिगार ने शादी और निकाह का तरीक़ा रखा है कि उसको सुन्नत करार दिया है, फरमाया निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी और तमाम अंबिया की सुन्नत रही है। तो इस रात जायज़ रास्ते से अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करो और वो जिम्मेदारियां जो उसके बाद आए औलाद वगैरह की उनको अदा करो। लेकिन अगर इस ख्वाहिश पर तुमने कंट्रोल न रखा और हर जगह उल्टी सीधी मुंह मारते फिरे तो तुम इसके ख्वाहिश के ग़ुलाम बन कर रह जाओगे और ख़राबियाँ पैदा होंगी, और ये ख़राबियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, बेहयाई बढ़ जाएगी, ऐसी बेहयाई बढ़ जाएगी कि सारा माशरा ख़राब होकर रह जाएगा। तो ये ख्वाहिश अगर जायज़ हद के अंदर है, कंट्रोल के अंदर है तो बिल्कुल ठीक है, और अगर जायज़ हदों से आगे निकल जाएगी तो बड़ी नुकसान देने वाली होगी। एक तीसरी ख्वाहिश इंसान के नफ्स में आराम की है, आदमी सारे दिन काम करता है, रात को आराम करता है, तो आराम करना नफ्स की ख्वाहिश है। अगर ये हद के अंदर रहे कि दिन में जद्दोजहद की रात को आराम किया तो बहुत फ़ायदा है, इंसान सुबह को बिल्कुल फ्रेश होकर ताज़ा दम होकर उठता है। लेकिन अगर कोई आराम तलब बन जाए तो जो कौमें या जो आदमी आराम तलब होते हैं वो कभी तरक्की नहीं किया करते। तो जायज़ हद के अंदर अगर ये ख्वाहिश रहेगी तो फ़ायदेमंद होगी, जायज़ हदों से आगे निकल जाएगी तो नुकसान देने वाली बन जाएगी। इन गलत ख्वाहिशात से जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया और इन ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखा, फरमाया कि वो दोनों जहान में कामयाब है। दुनिया में तो इसलिए कामयाब है कि जो गलत तरीके से खाता पीता नहीं है, गलत तरीके से अपनी ज़रूरत पूरी नहीं करता औरत मर्द वाली, आराम तलब नहीं है, वो दुनिया में हमेशा ठीक रहेगा, तरक्की करता रहेगा, चाहे कौम हो चाहे फ़र्द हो। और दूसरे जहान की कामयाबी इसलिए है कि आखिरत की बर्बादी इन्हीं रास्तों से आती है, नाजायज़ ताल्लुकात, हराम कारियाँ, खाना पीना हराम, आराम की ख्वाहिश, दूसरों के हकूक मारना, तो दोनों जहान में वो कामयाब रहेगा इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी जिसने अपने नफ्स को इन बुराइयों से पाक कर लिया और इन ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखा। अब ये ख्वाहिशात कैसे कंट्रोल में रहें, नफ्स तो बड़ा चंचल है, जल्दी से मानता नहीं है, इस नफ्स को कंट्रोल में रखने का तरीका भी इसी आयत में बता दिया, फरमाया कद अफलहा मन तज़क्का व ज़कर इस्मा रब्बी। नफ्स पर कंट्रोल का तरीका है खौफ खुदा, यह एहसास के मुझे अल्लाह देख रहा है, ताकि तन्हाई में भी आदमी बेईमानी ना करे, तन्हाई में भी बदतमीजी ना करे। सिर्फ ये चीज़ है जो उसको कंट्रोल में रख सकती है नफ्स को, वरना कोई दुनिया का कानून नहीं है जो नफ्स के ऊपर काबू रख सके। सिर्फ एक ही चीज़ है खौफ खुदा, जो इंसान को पूरी तरह नज़्म व ज़ब्त में और कंट्रोल में रखता है। तो कामयाबी का तरीका है नफ्स पर कंट्रोल, और नफ्स पर कंट्रोल का तरीका है खौफ खुदा, वरना नफ्स के ऊपर काबू रखना बहुत मुश्किल है।
बेकाबू हो जाएगा। उसको काबू में रखने के लिए अल्लाह का खौफ होगा जो भटकने से बचाता रहेगा, तन्हाई में भी और हर जगह, चाहे कोई देखे ना देखे, उसको ये ख्याल कि मुझे अल्लाह देख रहा है, मुझे उसके सामने जाना है। तो कुरान उसकी तदबीर भी बता रहा है। और खौफ खुदा की अलामत क्या है कि वाकई से अल्लाह का खौफ है? अल्लाह के खौफ की अलामत यह है, ज़कर इस्म रब्बी फसल्ला, जो नमाज पढ़ रहा है पांचवा, खुदा की बारगाह में सजदा कर रहा है, वो खुदा फरामोश हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है वो खुदा को याद रख रहा है, खुदा का उसको डर और खौफ है, उसके दरबार में हाजिर हो रहा है, और उसका नफ्स पर उसका कंट्रोल है, और जब पर नफ्स पर कंट्रोल है तो दोनों जहान की कामयाबी है। अब उसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ होती है तो फिर ज़रा कानून भी ऊपर से, डंडा भी है, यहाँ भी डंडा है, यहाँ का भी डंडा होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि इंसानी नफ्सियात ये है कि ज़रा इधर भी थोड़ी सी उसको, उसके ऊपर ये एहसास हो कि मुझको सज़ा मिल सकती है। असल तो एहसास वही है वहाँ की सज़ा का, लेकिन दुनिया की सज़ा का भी ख्याल रहे। ये है कुरान का कामयाबी का तसव्वुर, दोनों जहान की कामयाबी और हकीकी कामयाबी। सिर्फ लीपा पोती नहीं कि ऊपर से आपको लच्छेदार बातें करनी, बल्कि वो बातें जो दिल में उतरती हैं और सच्चाई रखती हैं। मीठी मीठी नसीहतें सिर्फ करके कुरान नहीं गुजर जाता, मीठी मीठी नसीहतें आदमी सुन लेता है, सुन के एक कान से सुनी, वो तो दिलों के दरवाज़ों को खटखटाता है। जब तक ये दरवाज़ा नहीं खुलता उस वक्त तक बात नहीं बनती। तो जो बात हमने शुरू की थी कि कामयाबी का जो कुरानी तसव्वुर है वो सिर्फ इस जहान की कामयाबी का नहीं है, बल्कि दोनों जहान की कामयाबी का है। और एक बात ये भी कि जो लोग ये समझते हैं कि मज़हब सिर्फ माँ बात तबीयात की बात करता है, भाई जन्नत दोज़ख की बात करता है, मज़हब दुनिया की बात नहीं करता, गलत फहमी है उनकी। मज़हब दुनिया में भी गाइड करता है, दुनिया में भी रहनुमाई करता है, दुनिया में भी रहबरी करता है, दुनिया में भी रास्ता दिखाता है, इस जहान के निज़ाम को भी दुरुस्त करता है और वहाँ की कामयाबी भी बताता है। वो सिर्फ आसमान की बातें नहीं करता, ज़मीन की बात भी करता है, ज़मीन और आसमान दोनों की बातें करता है। और इसी मुमकिन है कि सिर्फ ज़मीन की बातें करते हों, लेकिन कुरान सिर्फ ज़मीन की बात नहीं करता, वो दोनों बातें करता है, ज़मीन की भी आसमान की भी। हो सकता है और मज़ाहिब सिर्फ आसमान की बातें करते हों, या कोई इज़्म सिर्फ ज़मीन की बातें करते हों, लेकिन इस्लाम दोनों की बातें करता है कि इस ज़मीन पर भी इंसान कामयाब हो और उस जहान में भी जाकर आसमान में भी कामयाब हो। तो दोनों जहान की कामयाबी कुरान का मकसद है और उसी का वो तसव्वुर पेश करता है, उसी का रास्ता दिखाता है। इंसान अगर ये चाहता है, और यकीनन चाहता होगा कि मैं इसी जहान में नहीं बल्कि दोनों जहान में कामयाब हो जाऊं, तो जैसे मैंने सूरह आला की आयतें आपके सामने तिलावत की हैं और इनकी तफसीर और तशरीह बताई है, तो ये है दरअसल कुरान का तसव्वुर कामयाबी। तो कामयाबी तो हर इंसान चाहता है, लेकिन दोनों जहान की कामयाबी। एक ही जहान में क्यों कामयाब हो, क्यों ना दोनों जहानों में कामयाब हो, ये इंसान की अपनी सोच की बात है, अपने फिक्र की बात है। अगर इंसान इस पहलू से गौर करेगा तो यकीनन वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि हमें वही तरीका इख्तियार करना चाहिए जो इस जहान से उस जहान तक कामयाबी का है। और आखिर में एक बात और अर्ज़ कर दूं कि कुरान मजीद की ये बात जो मैंने आपके खिदमत में पेश की, ये कोई नज़रिया और फ़लसफ़ा नहीं है, बल्कि दुनिया इस पर अमल करके कामयाबी का चेहरा देख चुकी है।
एक ज़माने तक दुनिया ने इस नुस्खे को आज़माया है और आज़मा कर देखा है कि वाकई इंसानियत की फलाह के लिए, उसकी कामयाबी के लिए इस जहान में भी जो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा तरीक़ा है वही तरीक़ा है जो हमारे परवरदिगार ने हमारे लिए उतारा है, भेजा है, क्योंकि ये खुदा का बनाया हुआ तरीक़ा है, किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है। और जो खुदा की बनाई हुई चीज़ होगी उसका मुकाबला कोई कर कैसे सकेगा, उसमें तो खूबियाँ ही खूबियाँ होंगी, कमी तो उसमें हो ही नहीं सकती। बस आदमी ज़रा सा तवज्जो दे, ध्यान दे, ख्याल करे तो उसके कदमों में कामयाबी रखी हुई है। यही हमारा मकसद है, यही समझाना है, इसी तरफ ध्यान दिलाना है। हल में मुज़क्किर है कोई समझने वाला, है कोई गौर करने वाला? काश दुनिया इसी रास्ते पर आ जाए, जिस रास्ते पर अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को छोड़ा था, कामयाबी का रास्ता, दोनों जहान की कामयाबी का रास्ता, मुकम्मल कामयाबी का रास्ता। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।